पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की अलग अलग टीम छापेमारी की, जिसके बाद राजद के नेता और कार्यकर्ता गुस्से में हैं। छापेमारी के खिलाफ राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने शहर के अंबेडकर चौक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री मुर्दाबाद और सीबीआई मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। छात्र नेता शैलेश कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई है, लालू प्रसाद और उनके परिवार को परेशान कर रही है। उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए विरोधी लालू और तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, इस कारण इस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। श्री शैलेश यादव ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी से लालू यादव और तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं हैं। हाल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की बात की, उससे घबराकर केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई ने छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की जनता ने तय कर लिया तो आपके दल का संभवतः नमो निशान नहीं रहेगा। पुतला दहन में युवा नेता संजय यादव और कुणाल यादव, मनोज यादव, छात्र नेता अदिल खान, देवेंद्र चंद्रवंशी, विक्की यादव, राजा रजक, अश्विन रॉय, नीरज भरथुआ, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, बल्ली यादव, ऋषि विश्वकर्मा, पंकज यादव, ओम प्रकाश दास, अखिलेश दास, साकेत कुमार, प्रिंस कुमार, धीरज यादव, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, संतोष विश्वकर्मा, मुकुल चंद्रवंशी, पवन चंद्रवंशी, राहुल कुमार, मनीष यादव, मंजू यादव आदि शामिल थे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। चिंता पर।